सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यू इन अदर वीडियो इन दूसरे चैनल CNT सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सिखाऊंगा कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक हम कौन कौन सा कॉलम में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, वर्टिकल बार हमें क्या क्या यूज़ करना है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ड्राइंग में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, अप टू फर्स्ट रूफ लिखा है। इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट रूफ। अगर इसमें लिखा रहता फर्स्ट फ्लोर तो वो अलग बात होती है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर भी हम वो ले लेते हैं जो रेनफोर्समेंट आपको ग्राउंड फ्लोर पर लेना है। बट इसमें क्या लिखा है, फर्स्ट रूफ लिखा है, ओनली पहली छत। ठीक है, उसके बाद आपको रिंग दे दिया है, आपको की रिंग किस टाइप से लेनी है आपको। ठीक है, आपका जैसे कि हम देख रहे हैं C3, C2, C3, C4 एंड C5, ये आपका रो है। ठीक है, ये आपकी कॉलम जो भी है। C3 में आपको क्या लेना है, डायमेंशन आपको इसमें गिवन है 9 इंच बाई 12 इंच। ठीक है, उसके बाद देखता है एक सेक्शन, आपको ये सेक्शन दे दिया है कॉलम का, जो कटिंग है आपका ये कॉलम है, इसके कॉलम का जो एक सेक्शन है टॉप में आपको दिखाई देगा, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। C3, C2, आपको रिंग लेना है, ये आपको डबल है, ये आपको समोसा रिंग आ जाता बीच में। तो उसके बाद आपको फर्स्ट आपको दे दिया है ना, अप टू फर्स्ट रूफ, आपको फर्स्ट रूफ तक कौन से रिंग लेने हैं, और इसमें उसके बाद देखता है अप टू टॉप रूफ, मतलब टॉप रूफ तक आपके एंड तक टेररिस तक आपको क्या रहेगा, ये आपका डायाबर रहेगा। इसमें उसने क्या दिया है, गिवन C3 में आपको यहाँ पे उसने गिवन दिया है 4 बार 16 mm के। ठीक है, आपको टॉप चारों तरफ आपके बार रहेंगे 6 बार, यहाँ पे आपके 6 बार 16 के रहेंगे, 3 इधर 3 इधर। ठीक है, उसके बाद देता है C2 में आपके बार यहाँ पे उसने दिया है 8 बार 16 mm के। ठीक है, ये C2 कॉलम रहेगा। C2 आपको फिर ग्रिड प्लान में यहाँ पे आपको दिखा देगा C2 कहाँ कहाँ पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये C2 कॉलम है। C2 फर्स्ट रूफ तक देगा, ओनली एक छत तक आपको C2 में ये देगा। C2 में आपको C2 रहेगा 9 बाई 12-15 इंची, आपका क्या डायमेंशन क्या रहेगी कॉलम की, 9 इंची चौड़ाई और 12-15 इंची आपकी ये लंबाई रहेगी। ठीक है, और 8-16 mm की, मतलब कि 2, 2-4, 2-6 और बीच में दोनों साइड में 3 और 3 नीचे और 2 बीच में 16 के हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 बार 16 mm के रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट रूप के बाद 8 16 के, तो इसमें कौन चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे C3 9 इंच और 18 इंच, 9 बाई 18 इंच का कॉलम रहेगा। फर्स्ट फ्लोर तक क्या रहेगा, इसमें 8 बार है 20 mm के, जो भी 8 बार यूज हो रहे हैं, 3 और 3 6 हैं, 3 टॉप पे 3 नीचे 8 बार और 2 ये बीच में, तो जितने भी आप इसमें बार यूज़ कर रहे हैं 20 mm के यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फर्स्ट रूप के बाद आपके क्या चेंजेस हो जाएगा, 4 बार इसमें देखो, 4 बार 16 mm के रहेंगे, 4 बार 20 के, मतलब चारों कॉर्नर पे आपको क्या लेना है 20 mm के, और इन चारों कॉलम पे क्या लेगा 16 mm के। ठीक है, बस ये चेंजेस आपको रहेगा फर्स्ट रूप तक। अब आपकी जो ये रूफ है, ये आपकी स्लैब कास्ट हो चुकी है, ये कौन सी है, फर्स्ट रूफ। ओके, ये फर्स्ट रूफ है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको C4। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे C4 ये कॉलम रहेगा, C4 इस तरह से आप, सॉरी ये ड्राइंग थोड़ा पड़ चुकी है, काम चला सकते हैं इसमें। C4 तो ये डायमेंशन इस तरह से रहेगी। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये वाला कॉलम, ठीक है ये कॉलम दिखा देता हूँ मैं, इस तरह से ऐसे डायमेंशन रहेगी। तो ये वाला कॉलम कौन सा है, बीच वाला, तो आपको कॉलम कौन सा रहेगा, ये, तो ये कौन सा आपका C2 कॉलम दिखा रहे हैं, 2 कॉलम ऐसे हो गए, तीसरा और ये होता है, तो ये कॉलम हो जाएगा। तो ये कॉलम आपको C2 कॉलम में आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 8 बार है 16 mm के, तो देख सकते हैं आप, 1, 2, 3 बार इधर हो गए और 3 इधर हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 बार आपके क्या रहेंगे, 16 mm के रहेंगे। उसके बाद आपको ये देखना है, जैसे कि आपके रूफ के अंदर ओवरलैप आपको प्रोवाइड करना है, अगर ये बार आपको छोटा पड़ जाता है तो ठीक है, तो 16 mm का सरिया है, 16 mm का बार है, तो इसकी जो ओवरलैप होगी, अगर स्लैब के अंदर छोटा पड़ जाता है तो इसको स्लैब में ही आपको ओवरलैप देना ज़रूर होगा। तो 16×5 = 80, 15 टू डी लेना है आपको, 40 डी से कॉलम में ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, तो 50 डी आपको लेना है जो स्टैंडर्ड होता है, तो 15 टू डी 16 का डाया है, और 5, 16×5 = 80, 80 मतलब 800 mm की यहाँ से
और इसकी जितने नीचे तक जाएगा आपको 80 सेंटीमीटर 800 एमएम का आपका ये बार होना चाहिए ओवरलैप एक दूसरे पर, ठीक है। एक ही दे सकते हैं आप, एक बार ये दे सकते हैं और एक ही देख सकते हैं तीन बार, ठीक है। ये तीन आपके क्या पड़ रहे हैं, छोटे पड़ रहे हैं इससे। इस स्लैब से आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर 80 एमएम से छोटा है तो आप इसमें ओवरलैप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये बार देख रहे हैं आप, ये आपका थ्रू आउट टॉप तक चले गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर आपकी चेंज हो गया, इसके बाद आपको चेंज करना है। इसमें देख सकते हैं ना आप C4 जो आपका चेंज हुआ 8 बार 16 mm के, लेकिन अब क्या करेंगे, C4 आ गया ये, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर आपका ये फर्स्ट फ्लोर तक हो गया है, फर्स्ट रूफ तक पहली छत तक। उसके बाद अब क्या चेंजेस करेंगे, अब इसमें आप क्या करेंगे, 6 बार 16 mm के रहेंगे, 6 बार 16 mm के रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों बार फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों में आप क्या करेंगे, तीनों बार आपको 12 mm के 16 mm के यूज रहेंगे तीनों में, और इन तीनों में भी 16 mm के बार रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये क्या कर देंगे, आप इसमें चेंजेस कर देंगे। उसमें क्या किया सरे वाले ने, थोड़ा गलत कर दिया है यहाँ पे उसको, ठीक है। यही मिस्टेक आपसे भी ना हो, आप साइड पर चेक करेंगे तो ये करना है, जहाँ पर जो 16 mm का बार है बट लेकिन जो ओवरलैप होना है, ओवरलैप रहेगा क्या 12 mm का रहेगा। तो ओवरलैप जो रहेगा 12×5=60, तो 600 mm का ओवरलैप होना चाहिए इस बार के टॉप से नीचे जितना भी रहेगा, 600 mm। 16 के से नहीं होगा ये, 15 to D होगा 12 mm के से। तो आपके ये दो बार क्या रहेंगे आपके 12 mm के, ये और ये, ठीक है। ओवरलैप उसी से करना है आपको, 15 to D करना है उसी से करना है जो आपका ओवरलैप ऊपर जा रहा है। 16 से नहीं होगा, ये 16 mm का बार है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 12 mm का। तो 12×5=60, यहाँ से 600 mm आपको ओवरलैप करना है इस तरह से इसमें, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पर दे सकते हैं यहाँ पे C3, आपको यहाँ पे चेंजेस क्या है आपको C3 में चेंजेस है, ठीक है। और C3 में चेंजेस 4 बार 20 के हैं और 4 बार 16 के, बट लेकिन फर्स्ट रूफ तक क्या है 20 mm के बाहर है, ठीक है। तो आपको C3 पर ले चलते हैं। C3 आपको क्या है, ये थर्ड कॉलम C3 लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उसमें देख सकते हैं आप वहाँ पे फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, तो ये थर्ड कॉलम क्या रहेगा आपका C3। तो इसमें आप देख सकते हैं C3 कॉलम है, फर्स्ट रूफ तक आपको क्या दे रखे हैं 20 mm के बार, 8 बार है 20 mm के, ठीक है। तो ये बार देख सकते हैं आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 mm का क्या आपके 20 mm। लेकिन चेंजेस क्या है आपका इसके बाद, यहाँ पे फर्स्ट रूप तक इसके बाद आप क्या चेंज करना है, तो 4 बार आपके क्या रहेंगे यहाँ पे 20 mm के, 4 बार 20 mm के, 4 बार 16 के। तो आपको क्या करना है, 4 बार, तो चारों कॉर्नर हो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये आपको क्या करना है, 16 mm 20 mm के बार रहेंगे, उसके बाद ये कॉर्नर और ये कॉर्नर 20 mm का रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों कॉलम क्या रहेंगे आपके 16 mm के रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको चेंजेस करना है। इसी फ्लोर पे आप जो भी लैप करेंगे, तो उसने ये भी देखो सरे वाले ने गलत कर दिया है ना, तो ये आपको क्या रहेगा 20 mm का बार है, ये आपका 16 mm का बार यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना था। तो ये मिस्टेक उससे हुई है, ये मिस्टेक उसने की है, ठीक है। ऐसे ही ये मिस्टेक यहाँ पर ओवरलैप उसने प्रोवाइड किया, देखिए छोटा सरिया निकल रहा है कॉलम में ही और ये ओवरलैप किया है, ये भी गलत किया है, उसके बाद ये भी गलत किया है देखो। तो इस तरह से आपसे कोई मिस्टेक ना हो आपको पहले ही चेक करना है कि ओवरलैप आपको प्रोवाइड करना है। आपका ये 20 mm का है तो ये 16 mm का रहेगा। अगर 20 mm की 20×5=100 मतलब 1 मीटर की ओवरलैप देते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ से देख रखते हैं, तो ये बार आपका क्या रहेगा 16 mm का, 16×5=80, 800 mm इसके टॉप से और इस वाले बार का बॉटम 100 क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस कितना रहना चाहिए 800 mm, 16×5=800 mm, ठीक है। तो इस तरह आपको चेक करना है। तो बस आज के लिए आपको इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने हमारे साथ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।